ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैं और जासूस जाने वाले अमीर लोगों के घर और देखने वाले कि उनके घर कैसे हैं, और अगर हमारे को कोई घर पसंद आएगा तो हम उनको कहेंगे कि हम क्या आज आपके घर सो सकते हैं। तो शुरू करते हैं भाई, पहले तुम्हारे घर से शुरू करते हैं ना, मेरा पीछे भाई आओ। नहीं नहीं, मेरा घर तो सबने देख रखा है यार, मेरा घर देख के क्या करेंगे, बाकी अमीर लोगों के घर देखते चलो भाई, अमीर लोगों के घर सोएंगे आज। Let's go. Okay guys, तो सबसे पहले जासूस ने बोला है कि हम जाएंगे अपने इंडियन कैप्टन विराट कोहली के घर। विराट भाई मिलेंगे घर पे? मैं तो देखना चाहता हूँ कि विराट भाई मिलेंगे या अनुष्का मैम मिलेगी या कौन मिलेगा। वैसे सुनने में तो आया कि वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं। तो फिर तो घर खाली अपना ही घर है। तो फिर अगर घर खाली है तो फिर हम जा ही सकते हैं ना, कोई रोकेगा थोड़ी। वैसे भी भाई हमारे भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर है। क्या मेरे को दो ना, मेरे को डीएलएफ फेज 1 में हम आए हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं, एकदम मस्त महल बन रखे हैं, कोठियां बन रखी हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी नर्वस बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। यहाँ चलते हैं भाई। निर्मल भाई, हाउ आर यू? भैया ये विराट कोहली का घर है। तो इसका एक बात बताओ, हम ना रोहित शर्मा के दोस्त हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ चले जाओ और यहाँ पर वो बना लो। सुनो ना, अब आप सुनोगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा अच्छा, शकल छुपा रहे हो आप। हाँ। ये बताओ, इस घर का हाउस टूर चाहिए हमें? नहीं भैया, आप अलाउ करोगे थोड़ा सा? भैया नहीं हो सकता क्या? हाँ। कैंसल। अरे पानी तो पिला दो। देखो पानी तो मिल जाएगा, कम से कम ये बोलो भाई, हाउस टूर नहीं मिलेगा। विराट कोहली घर का पानी पिया है। यार थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं पुलिस वुलिस ना बुला ले, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। दीवार को देखो सुनो भैया, आप तो बहुत क्यूट हो। सुनो बस एक चीज बता दो, विराट भाई आते हैं नहीं आते? नहीं आते सर। नहीं आते भैया, तुम्हें बोल रहे हैं टॉक टू माय एंड। तो चलो भाई, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर तो हमारे को हाउस टूर नहीं मिल रहा, अगले घर पे चलते हैं गाइस। अब युवराज क्या लगता है कौन दे सकता है? युवराज भाई के पास वो भी यहीं रहते हैं बाजू में। हमारे को यहाँ भैया मिले हैं। भैया एक बात बताओ, कोई फेमस बंदा रहता है यहाँ पर आसपास? युवराज सिंह। आप युवराज सिंह के घर में एंट्री करा सकते हो? जी तो आओ कराओ ना। लेट्स गो गाइस, ये वाला घर है। तो गाइस हम आ गए हैं युवराज सिंह फाउंडेशन। मैनेजर साहब आ रहे क्या? जी सर। आई होप कुछ हो जाए फाइनली। हाँ जी बताइए भैया। हमें ना एक वीडियो बना रहे हैं हाउस टूर की, जैसे अभी हम विराट पाजी के घर गए थे, अब यहाँ थोड़ा हाउस टूर देना है। मतलब हाउस टूर आप क्या दोगे? मतलब सारा काम थोड़ा सा पार्ट अगर दिख जाए। आप देखो ना, कुछ आप टूर भी देने आए हो। हाँ। तो कम से कम जो चीज रेडी हो जाए तब आ जाना। तो भाई अभी मैनेजर साहब आए थे और मैनेजर साहब ने ये बोला कि भाई अभी घर ना हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तुम अभी इसका हाउस टूर क्या ही दोगे? देखो पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट है, मूड इकट्ठा हो गया। तो फिर क्या करें भाई, अगले घर पे चलते हैं, बराबर वाले पूछते हैं भाई। जिस हिसाब से हमारे को हाउस टूर नहीं मिल रहा, इसको रोडों पे सोना पड़ेगा आज भाई। सबसे फेवरेट प्लेस बताऊं घूमने के लिए? रेलवे स्टेशन होते हैं, मजा आ जाएगा। खाने की व्यवस्था, पानी व्यवस्था और फ्रेश होने की व्यवस्था, सब व्यवस्था। एक काम कर, तू जा चल। तो भाई हमने मिशन शुरू किया तो, लेकिन हमें एक भी ओनर अपने घर दिखाने के लिए रेडी नहीं हुआ। हमें सिर्फ एक ही चीज मिली कि ओनर घर पे नहीं है, आज मूड नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है, आई एम वेरी होपफुल। चलो एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताक्षा। ताक्षा, ताक्षा यहाँ पर कोई फेमस सेलिब्रिटी रहता है? भैया एक बात बताओ, ये हमारा जो भाई है ना, इसका नाम है जासूस सिंह, ये इसको घर से निकाल दिया है। ये चाहता है कि ये एक नए घर में रहे, तो अब इसको जो नया घर चाहिए वो कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए। 100 नहीं तो 50 करोड़, क्योंकि ऐसा मैं समझ, प्रिंस सऊदी, सऊदी में प्रिंस है अल हबीबी शेख राजकुमार हिरानी, ये नाम है उनका, तो ये उसका बेटा है। तो अब ये रहना चाहता है एक महंगे घर में, तो आप बताओ ऐसा कोई महंगा घर आसपास में जहाँ इसको जगह मिल सके सोने के लिए? नहीं पता। नहीं पता भाई, रुक जा, शेख है यहाँ पर, बताओ कहाँ रह सकता है ये भाई? यहाँ 3 पॉइंट से जाओगे भैया आप? हाँ। राइट में लेते ही पहला घर दिखेगा, वो अभी किराए। जब मुझे पूछता ना कोई रास्ता बता दो, तो मैं भी बोलता हूँ सामने चले जाओ, 3 पॉइंट से लेफ्ट ले लेना, बहुत तेज हो रहा है। चलो आगे चलो, इसको ले जाओ भाई साथ ले जाओ। चलो कहीं ना कहीं जुगाड़ मिलेगा, तुम आओ। चलो पिल्लो ले चल, जहाँ जहाँ बिस्तर दिखे वहाँ लगा दियो, जहाँ बिस्तर वहीं सवेरा। बाय। तो गाइस जासूस तो चला गया अनजान लोगों के साथ, बट प्रिंस आदमी है, कुछ भी कर सकता है। हम यहाँ से चलते हैं और नए घर सेलिब्रिटीज के ढूंढते हैं, आ जाओ। गाइस फाइनली धक्के खा के हम तो थक गए ब्रो, अभी से थक गया, अभी से थक गया। अभी तो सिर्फ विराट पाजी और युवराज पाजी के घर से बाहर निकाला गया, अब हम चलते हैं एक नॉर्मल इंसानों के घर, है ना? आपको दिखाते हैं मार्बला अल्ट्रा प्रो मैक्स, देखें। चलो भाई जासूस, अब मैं चाहता हूँ कि तू इनको कन्विंस कर दे कि हाउस टूर दे दो। भाई घर बढ़िया है, शिवाया घर है भाई, ये पिटवाएगा। घंटी मार दी भाई इसने तो, पागल है यार ये भाई, मेरा धक धक हो रहा है भाई, ऐसे मुझे कोई भाई, मुझे डर लग रहा है। हेलो भैया। भैया हम यार एक वीडियो बना रहे हैं, हाउस टूर मिल जाएगा आपके घर का अंदर से? हाँ जी। कोई घर पे नहीं है? अब नहीं, कहीं गए हैं भैया लोग। कब तक आएंगे? कोई नहीं भैया, शाम तक यहीं खड़े हम। अच्छा रेट ही बता दो भैया घर का। नहीं, बिकने के लिए भी नहीं है। रेंट बता दो। बिकने
रेंट तो बता सकते हो? लो भैया मैं बोली लगाता 50 करोड़। चलो ठीक है भैया, 50 करोड़ ऑफर रिजेक्ट हो गया। 50 करोड़ तो बहुत महंगा हो गया, नहीं होगा भाई 50 करोड़। हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से गुड़गांव में मैक्सिमम रेट है 5 लाख रुपए गज, और ये अगर 500 गज की जगह है तो 25 करोड़। अरे तो मेरी आदत है ना सुल्तान मिर्जा वाली, मैं सस्ती चीज को महंगी खरीदता हूँ। ओह माय गॉड, बट एक बात बोलूं? हाँ। तू बेशरम तो है। चलो भाई लेट्स गो। भाई सेल्फी मिलेगी, बट तुझे ये बताना पड़ेगा यहाँ कोई सेलिब्रिटी रहता है आसपास? अरे मेरे अलावा यार युवराज पाजी का भी घर मिल गया। गुरु रंधावा का घर कहाँ है? यही पर इसी रोड पे। चलो भाई चल, भाई चलना लेके चल। आओ भाई। भाई तेरा नाम क्या है? भाई जीत भाई ने हमारे को गुरु रंधावा का घर भी दिखवा दिया है, तो आओ देखते हैं गुरु रंधावा हमारे को घर के अंदर एंट्री देगा या घर के बाहर निकाल देगा। गुरु भाई हो जाओ शुरू भाई, हाउस टूर देने के लिए। लेट्स गो गाइस। चलो आज हम जीत साथ लेके जा रहे हैं तो जीतेंगे आज हाउस टूर लेने। ये बात तो सच है। कितनी क्या सकता है कि एंट्री होगी नहीं होगी, बाकी आप बात। भाई तुम्हारा नाम ले देंगे ना, मैं ये लेके आया हमें। आप इतने बड़े सेलिब्रिटी ना आपके साथ जा रहे हैं। अगर मेरे घर मानो हर्ष बेनीवाल आ जाए कि मुझे हाउस टूर दे दे, मैं एंट्री थोड़ी दूंगा। दे दूंगा यार हर्ष भाई, बुरा मत मानो यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम भाई हो अपने हर्ष बेनीवाल नॉट हर्टेड। वेयर इज द हाउस ब्रो? वेयर इज द हाउस? बोला ओके, हाउस नंबर 19 में हम जा रहे हैं। ओ यस भाई, जो हमने सोचा था ये वही है, हरभजन सिंह रंधावा का घर। की भाई बेल बजा दी, बेल मार दी। कोई आएगा तो अब कोई बात करियो। लेट्स गो गाइस, हरभजन सिंह रंधावा के घर में क्या हमारे को गुरु रंधावा मिलेगा? भाई नाम में नर्वसनेस हो रही है मुझे, बहुत टाइम बाद ऐसे रोडो पे किसी के घर भी घुस रहा हूँ। हेलो मैम, गुरु भैया है घर पे? तो कोई है और मैनेजर खाली है? हमें घर देखना है, अंदर से देख सकते हैं हम, खरीदना है घर। कौन रुका हुआ? अच्छा कोई और है हमें, तो वो अभी आ सकते हैं? कोई घर पे ही नहीं है। अच्छा तो जैसे अगर मतलब हमारे को ये घर ना खरीदना है, फिर किससे बात करनी पड़ेगी? नहीं बता, आप बताओ। इनको खरीदेंगे अभी कभी खरीदेंगे? आप इसको आज यहाँ रहने दोगे तो? आंटी आप बहुत क्यूट हो, नहीं हो पाएगा। तो गुरु भैया इफ यू आर वॉचिंग दिस और इफ यू विल एवर वॉच दिस, वी केम टू योर हाउस बट आपके घर कोई नहीं था और आंटी बहुत क्यूट है, आंटी की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, ठीक है? और गाइस भाई सबको ये लाइन चिपकाता है, क्या जहाँ से रिजेक्ट होता है, आंटी बड़ी क्यूट है, भैया बड़े क्यूट है। तो भाई एक बात बताओ, जब किसी ने घर में एंट्री नहीं देती तो एटलीस्ट उनकी तारीफ तो कर सकते हैं। अगर घर नहीं मिलता तो आज रात आते हैं दोनों भाई पार्टी करेंगे, ठीक है? आज यही हो जाए बिस्तर। तो गाइस जासूस को घर में कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए डिसाइड करा ये गुरु रंधावा के घर के नीचे सोएगा। गुरु भाई जब तक एंट्री मिलेगा यहीं लेटा रहूंगा। कैसा फील हो रहा है गुरु के घर के बाहर लेट के? आज सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। मजा तो आ रहा है? मजा आ रहा है भाई। भाई भाई इतना बेशरम है, किसी के घर के आगे लपेट जा रहा है। तो चलो तुम घर देख के मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर। लगभग हमें 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, हमें हर घर से सिर्फ एक ही चीज मिल रही थी, वो थी रिजेक्शन। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमारे को लग रहा था कि हाउस टूर मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये लाल टी शर्ट वाले अंकल एक बड़े से घर में काम करते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं, क्या पता इनके पास हमारे लिए वो चाबी हो जो हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। अंकल के साथ हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया, उन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया। नहीं एक्चुअली क्या है, हम ना अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिनके इतने बड़े बड़े घर होते हैं वो काम क्या करते हैं। नहीं नहीं एक्चुअली देखो हम लोग तो नए हैं, उतना तो हम लोग स्टोरी ले नहीं सकते ना। हाँ। और हमारी तो इतना भी नहीं है कि हम साथ पूछ सके कि आप काम क्या करते हो। हाँ। भैया घर में एंट्री करवा दो बस, काम छोड़ो। बट सी ना काम वो तो नहीं हो सकता है सर। जो आपके बॉस हैं वो स्मगलर हैं, जूते वूते बनाते हैं, या यूट्यूबर हैं, या चेन स्नैचर हैं, म्यूजिक बनाते हैं, कुछ तो काम करते होंगे। वैसे कितने का होगा घर? 20 करोड़? पता नहीं आइडिया, अगर होता तो फिर हम भी कह रहे। एक बात बताओ, आइडिया होने से क्या होता है? इसको पूरा आइडिया है कि मेरा घर 20 करोड़ का घर, इसके कौन सा 20 कमा लेने। आइडिया होने से थोड़ी कुछ होता है। अब मैंने को आइडिया है कि भाई शाहरुख खान 200 करोड़ के घर में रहता है, तो उससे मैं ले थोड़ी पाऊंगा। तो आपको थोड़ा आइडिया होना जरूरी है जीवन में, ये नहीं कह सकते हैं। अब अगर ये जो भाई है हमारा, ये देखो बिस्तर लेके घूम निकला हुआ है, बोरिया ले रहा है, इसको बेचारे को रास्ता कहाँ रहे हैं? आप बताओ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो इनको ठिकाना मिल ही जाएगा। कोई तो होगा दयालु, कोई तो दिल वाला होगा। भैया आपने मुझे मोटिवेट कर दिया है, गले मिलो। भैया ने मोटिवेट कर दिया, अब मैं कोई ना कोई हाउस टूर लेके रहूंगा जहाँ पर मैं इसको पनाह दिलवा सकूं। ओके भैया आई लव यू, आप बहुत क्यूट हो। ये पूकी अंकल ने हमारे लिए नए दरवाजे खोल दिए, अब जो होगा वो ये अंकल की दुआ से होगा। जैसे कि हर एक हीरो की कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही ये एक हीरोइक मोमेंट है, क्योंकि अगली घंटी पर आएगा एक यस। तो गाइस फाइनली अब हम आए फरीदाबाद, मतलब यहाँ पर मैंने जैसी कोठियां देखी है, ऐसी कोठी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। स्टॉक मार्बला सोल्ड,
और ऐसा कर इन तो इनसे पूछ तो कितने का देंगे तो बेल दिए बजा वेट करते हैं भाई कौन आ रहा है भाई दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग कोई आ रहा है भाई कोई आ रहा है भाई उनके आगे ऐसे कर दो हेलो हेलो आप अपने घर में हाउस टूर दोगे आंटी आई है आंटी आई है अरे भाई सीधा मुंह पे कैमरा मत कर भाई किसी के ऐसे क्यों मरवाने वाले काम कर रहा भाई ना ब्रो वॉच एंड लर्न द कॉन्फिडेंस आंटी नमस्ते कैसे हो आंटी तो आपके घर का हाउस टूर अगर आप अलाउ करोगे तो थोड़ा सा अंदर से जो भी बेस्ट पार्ट हो दे सकते हैं अरे यस यस लेट्स गो भाई फाइनली अरे वाओ इसका नाम क्या है नीमो आंटी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है थैंक यू आपने हमारे को एंट्री दी आ जाओ आंटी यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस घर में चार लोग और कब से रह रहे हो आप यहाँ पर चार साल अरे वाओ चार साल मैं रह सकता हूँ फिर आज भाई डन हो गया तकिया मिला दो आंटी आपका नाम क्या है नीतू आंटी गाइस नीतू आंटी ओपी इन द चैट और आंटी कह रही है जासूस को आज घर भी मिल गया रहने के लिए चलो अंकल नमस्ते कैसे हैं आप अंकल हमारा एक यूट्यूब चैनल है तो हमने आंटी को बोला थोड़ा सा हाउस टूर हम देना चाहते हैं घर का अंकल ये 20 साल पुराना बट एकदम पुरानी आर्किटेक्चर मस्त है बाहर से तो बहुत अच्छा है महल बना हुआ बिल्कुल महल मेरे को तो देखो ये वाला सबसे अच्छी चीज यहाँ पर पता क्या लगी जो ये यहाँ पर बीच में ऐसे स्टेयर्स जा रही है और ऊपर रूम्स है सारा खाली है ये अंकल हाथ आप सुनाइए ये आज आपका गेस्ट है जो तकिए के साथ आ रहा है आप तकिए भी हम दे देंगे अंकल आपका नाम क्या है मुकेश बंसल मुकेश बंसल अंकल आप बहुत मतलब आप दोनों बहुत कैसे वही लाइन सच में देखो बहुत बहुत ज्यादा क्यूट है अंकल आंटी आंटी की स्माइल बहुत क्यूट है और घर उनका और भी ज्यादा क्यूट है अंकल बेस्ट पार्ट आपको अपने घर का क्या लगता है अच्छा होना चाहिए आपको नींद बढ़िया वाह देखो एंड में तो सोने के लिए ही काम आता है घर ओह माय गॉड कोल्ड ड्रिंक अंकल ये तो अभी शाम है अगर थोड़ी और रात हो जाए तो ये तो आपके साथ बोतल ही खोल देगा शिट फिर तो जासूस यहाँ पर तेरा रहना मुझे मुश्किल लग रहा है नहीं भाई मेरे को आदत ही नहीं है झूठ बोल रहा है थोड़ा हम चाहते हैं आप हाउस टूर दो कि आप यहाँ रहते हो सिंपल किचन आप देख रहे हो फैल भी है सारी ये किचन है आंटी की बहुत ही प्यारी व्हाइट होनी चाहिए ऑफ व्हाइट किचन इज ऑलवेज द बेस्ट ऐसा मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे किसी के रैंडमली घर जाके वहाँ पर हाउस टूर दूंगा बट मुझे मजा आ रहा है मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को तो यहीं सोना चाहिए क्यों भाई अंकल जी ने बेडरूम दिया मेरे को अरे वाओ तुम सोए यहां आ जाओ नीचे बेडरूम देख लेते गाइस तो बिल्कुल हवेली जैसा बना रखा ना भाई एक जोक सुनाता हूं सुनाओ तुमने आज तक पंखा कितने वो वाला देखा है अरे वहां क्या देखा है ओए इसमें कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 आंटी ये तो बड़े ही अलग लेवल का पंखा है हमारे तो घर में पंखे ही नहीं है यार लट्टू मुंद्री का अतारी तारी दैट वन फैन बाबा इन योर रील गाइस आ जाओ तो गाइस द ओजी ब्रो द ओजी डाइनिंग रूम जासूस को ऐसा फील हो रहा है कि अब वो अपना घर फाइनली छोड़ सकता है और आंटी अंकल के चरणों में अपना घर बसा सकता है आंटी जी मेरे को गोद ले लो फिर आप मैं तो घर से जा रहा हूँ ये एक्चुअली आंटी वैसे तो ये प्रिंस है सऊदी का और इसके पास बहुत पैसे है बट इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया क्योंकि इसको एक लड़की से प्यार हो गया था जो घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब ये निकल चुका अपने घर से तो क्या आप इसको आपको लगता है इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रख सकते हो हाँ कोई दिक्कत नहीं है अरे वाह इनको बोल दें दिलदार चलो आओ ऊपर चलते हैं देखो गाइस आ जाओ भाई थोड़ा तो डेंजरस है आंटी इससे यहाँ पर डर नहीं लगता हाँ क्योंकि ये तो बहुत स्केरी है कोई गिर सकता है अच्छा बेटा फैक्ट्री गया हुआ है और बेटी डॉक्टर है वाओ और एक बेरोजगार और आपको बेटा मिल जाएगा लाइट्स ऑफ करते जासूस मदद कर तेरे को यही तो करना तो गाइस ये है बहुत ही प्यारी बालकनी इस घर के लोग और ज्यादा प्यारे हैं भाई वह हवेली वाली वाइब लगा गाइस शूटिंग हो सकती है तो मूवी की तो नेक्स्ट आंटी जब हमारी मूवी बनेगी म्यूजिक कभी तुझे आके मैंने देख सॉरी बोली तुझे थिंक सारी गलती मेरी नहीं है तुझसे करूं प्यार आके तभी नम पड़ी भाई मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड कम था ऐसे कोई भी बंदा किसी को अपने घर में आके हाउस टूर लेने देगा भाई नॉर्मल घर में तो एंट्री मिली नहीं और यहाँ तो महल में एंट्री मिली रात को जुगाड़ एक्चुअल में क्या मस्त घर था मेरे को इतना अच्छा लगा और घर से अच्छा वहाँ के लोग थे भाई आंटी की स्माइल अंकल की स्माइल उन्होंने बैठ के बातें करी हमारे को फिर पूछते यूट्यूब वीडियो बना के तुम्हें क्या मिलेगा मतलब बहुत सारी बातें करी फन भाई क्या मिलेगा प्यार लोगों का पर गाइस ऐसा मत करना कि हर कोई कैमरा लेके आए आप लोग अपने घर में घुसा लो साला बेइज्जती करता है
तो भाई लोग, एक घर का टूर तो मिल गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो फिर क्या, घंटी पे घंटी बजाई, हर गली का चक्कर काटा, पर हर बार वही रिस्पॉन्स, नो एंट्री ब्रो। और गाइस, एज टाइम पास्ड इट गॉट डार्क, लेकिन ये डार्कनेस दूर होने ही वाली थी, क्योंकि हम नहीं रुकने वाले। डेडिकेशन लेवल 9000, पर हमारी तरफ एक लाइट आई, वो इस घर की लाइट है। तो गाइस, ये घर देख के तो मजा ही आ गया। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने बहुत घर देखे हैं, सही बता रहा हूँ, बहुत घर देखे हैं। थक गए भाई, थक गए। बट जो ये लास्ट वाला मैं तुम्हारे को घर दिखाने वाला हूँ ना, जैसे ही लेफ्ट मुड़ने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कैमरा को, तुम पागल हो जाओगे भाई। ये घर नहीं, इसमें तो एंट्री मिली नहीं, इसमें मिल जाएगी तुम्हें। अब एक बार घर देख, घर नहीं घरा है भाई। ये क्या है बे, ये यहाँ से लेके वहां तक एक ही घर है। तो अपार्टमेंट घोषित कर देते हमारे वहां पर। चले बेइज्जती कराने ब्रो। क्यों कराना चाहता भाई, सुबह से रात हो गई, बेइज्जती करवा। ऐसा नहीं है भाई, एक जगह पर एंट्री दिलवाई है मैंने। मैंने ओए आंटी को मैंने पटाया था। बेल किसने बजाई थी? तो बेल मारने से क्या होता है? बेल मारने से तो आंटी मेरे को, आंटी ने मेरी स्माइल देखी, उन्होंने अपनी स्माइल देखी, दोनों को और मेरी स्माइल पसंद आ गया हम एक दूसरे को। तो मेरी स्माइल, तेरी स्माइल है, तेरी स्माइल देख के डॉगी भी कहते हैं। अब कुछ नई लाइन लेके आओ तुम, स्माइल क्यूट व्यूट नहीं है। तो गाइस फाइनली अब आएगा जासूस, यहाँ बेइज्जती करवाएगा, क्योंकि जेन्युइन बता रहा हूँ, इतना बड़ा घर देख के मुझे ऐसा लग रहा है, देखो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता हमारे देश में, या तो पॉलिटिशियन या क्रिकेटर या एक्टर। बता दूं, बता दूं? हां हां कर कर भाई, बता दूं? हां ये ले ले। क्या बजाने की बात हो रही है? बेल। हाँ हाँ बेल। तो तूने क्या सोचा? मैं तुम्हें बचाने की सोच रहा था। मैन इज अ सैडिस्ट मैन। भैया घर में एंट्री मिल जाएगी? नहीं भैया। घर पे बच्चे हैं? हाँ बताओ। उनको बोलो अभिषेक भैया है, फुकरा इंसान। हाँ पूछ क्या, उनको बोलो कि वीडियो बनानी है, हाउस टूर चाहिए घर का, उनसे मिलना है बच्चों से, और घर का हाउस टूर लेना है। एक बच्चा तैयार है, इससे पूछो। हेलो किरण, फुकरा इंसान की वीडियो देखता है क्या? फुकरा इंसान पता है, फुकरा इंसान यूट्यूब पे किसकी वीडियो देखता है? रोनाल्डो की। रोनाल्डो की? तभी रोनाल्डो के इतने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं भाई। इधर आना, इधर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखता है? वो ऐसी वीडियो बनाता है जिसमें कि किसी को रोस्ट करता है। हाँ। कैरी मिनाटी है, मतलब कैरी ट्रिगर्ड इंसान भाई, सब में आ मिला रहा है। यहाँ पे पूरा सेफ्टी का इंतजाम, कहीं में थोड़ी बहुत चोरी वोरी भी करने प्लान था, तो यार वो कैंसिल हो गया। ये ड्रॉइंग रूम है हमारे गेस्ट के लिए। लगवाओ भैया डिनर, लगवाओ आज। क्या खिला रहे हो फिर डिनर में? तो आज के लिए हमारे यही घर होने वाला है, डिनर भी कराएंगे, सोएंगे भी, और पार्टी वार्टी का इंतजाम करवा दिया। बिल्कुल। और अगर मैं थोड़ी और डिमांड रखूंगा, धर्म भैया थोड़े गर्म हो जाएंगे। हाँ खिलाड़ी। हाँ दिस इज द किचन, ये किचन है, ये डाइनिंग एरिया है, ये मंदिर है। तो कितना टाइम हो गया घर में? अभी आई थिंक वी मूव्ड इन 4 months ago. 4 months? और अभी भी प्रोसेस चालू है। बनने में कितना टाइम लगा होगा? वी वर्क डे एंड नाइट, तो 6 महीने 7 महीने में हमने काम पूरा करा था। 7 महीने पूरा घर बन गया? 40 करोड़ से पैसा बहुत है, डे एंड नाइट फुल लगातार डेडिकेशन। तो गाइस फिर से बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आ गए हैं, दोबारा से हमें क्या देखने को मिलेंगे? सोफे ही सोफे, पार्टी एरिया कहाँ है? इसके ऊपर। लेट्स डू द पार्टी ब्रो, आज पार्टी ऑल नाइट। बाकी मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाला इंसान हूँ यार, वैसे ही मेरे को बदनाम कर रखा है। खाओ माँ कसम। यहाँ पर जिम है, व्हिच वी डोंट यूज अ लॉट। जिम वाला बंदा तो भैया नीचे है, वो बनाता है बॉडी। थोड़ी एक्सरसाइज कर ही ले फिर, आज तो आ ही गए जिम में। और भैया साथ में एक्सरसाइज करें, अब चलने वाले हैं भाई लिफ्ट से, क्योंकि ऊपर मेरे हिसाब से स्टेयर्स नहीं है। स्टेयर्स नहीं है? नहीं, स्टेयर से भी एक्सेस है, बट वो बड़ा लंबा हो जाता है लिफ्ट बैठे थे। अमीर लोगों की अमीर बातचीत। तो आपको तो इसमें ऊपर जाते क्लब वाली फीलिंग आती होगी, लिफ्ट से निकलते ही तो पार्टी का माहौल होगा। आदत बिगड़ गई, अब तो सिर्फ लिफ्ट ही यूज कर पाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पार्टी एरिया में, फुल माहौल है। फिर पार्टी कब हो रही है? घर पूरा तैयार होने के बाद पार्टी? थोड़ा सा 2 महीने का काम इसमें अभी बाकी है, उसके बाद डेफिनेटली पार्टी करेंगे, आपको इनवाइट भी करेंगे। पार्टी के लिए हम ऑलवेज इन ब्रो। श्योर श्योर, कभी बुला लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मुझे बताना आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई लव यू ऑल पांडा गैंग।